सफलता के सात आध्यात्मिक नियम जो है दीपक चोपड़ा इन्होंने जो किताब लिखी है उसमें का तीसरा नियम जो है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त ने महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज तीसरा आध्यात्मिक नियम जो है वो है लॉ ऑफ कर्मा। कर्म मतलब एक्शन। कोई भी एक्शन होती है तो कर्म में एक्शन और उसके परिणाम वो भी होते हैं, मतलब एक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। कर्म में ये भी होता है कि कर्म क्यों हुआ, मतलब कॉज। कर्म यानी उसके पहले का कुछ कॉज हो गया, वो कॉज। एक्शन मतलब वो भी एक कॉज है और उसके परिणाम क्या हुए, कॉज एंड इफेक्ट दोनों भी इसमें आते हैं। इसका अंतर्भाव दोनों का भी होता है। हमने ये देखा हुआ है, हमने ये सुना हुआ भी है कि जो आप बोते हैं वहीं पाते हैं। व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। आपको यदि आम चाहिए तो आपको आम के ही बीज बोने पड़ेंगे। संतरे के बीज बो के आम का पेड़ आने वाला नहीं है। वैसे ही कि जो आप एक्शन करेंगे वो एक्शन के मुताबिक ही रिजल्ट आपको आएंगे। क्या होता है कि एक्शन जो है वो एक्शन एक तरह की एनर्जी पैदा करती है यूनिवर्स में, ये दुनिया में, ये ब्रह्मांड में यूनिवर्स तैयार कर, या ये यूनिवर्स में, ये ब्रह्मांड में कुछ एनर्जी तैयार करती है और वो एनर्जी फिर हमको हमारे तरफ वापस आती है कुछ ना कुछ फॉर्म में। जाहिर है कि हमको यदि खुशी चाहिए, मुझे खुशियाँ चाहिए, तो नेचुरली खुशियों के बीज मुझे बोने पड़ेंगे और मैं खुशियों के बीज बोऊंगा, उसकी एक्शंस में करूंगा तो नेचुरली मुझे खुशियां मिलेंगी। हमको अच्छा लगे या नहीं लगे, जो भी मेरे साथ में आज घटित हो रहा है वो हमने जो अतीत में चुनाव किए है उसका परिणाम है। अब चुनाव मैंने होश में किया होगा और वो चुनाव का परिणाम मुझे दिख रहा है, या हो सकता है कि मुझे अतीत में क्या मैंने किया उसका होश नहीं है, अनकॉन्शियसली मैं किया हूँ, हैबिचुअली कुछ तो भी किया हूँ और वह हैबिचुअली करने के बाद में मुझे मालूम ही नहीं कि मैंने किया, मगर उसका परिणाम तो मैं आज भुगत रहा हूँ या उसका परिणाम मुझे आज मिल रहा है। तो जो भी मैंने पास्ट में किया हुआ है उसका परिणाम मुझे आज दिखा ही देगा, क्योंकि एक एक्शन मैंने की हुई है उसका परिणाम मुझे आज दिखेगा। मुझे मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, जो भी मुझे आज मिल रहा है वो चुनावों का परिणाम है। आज जो मुझे लाइफ मिल रही है वो चुनावों का परिणाम है और जो चुनाव मैंने अतीत में किए हुए। यदि मैंने आपको अपमानित किया तो आप अपमानित हो जाएंगे और वो आपका चुनाव रहेगा। यदि मैंने आपकी बहुत प्रशंसा किया तो आपको खुशियां हो जाएंगी, आप फ्लैटर हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा और वो भी आपका चुनाव हो सकता है और वो भी आप कर सकते हैं। अब दूसरा देखो कि मैं आपका इंसल्ट कर रहा हूं और आप ये भी चॉइस कर सकते हैं कि अपमानित नहीं होने का, ये भी आप चॉइस कर सकते हैं। मैं यदि आपकी प्रशंसा कर रहा हूं तो प्रशंसक मतलब प्रशंसा नहीं लेना और शांत रहना, स्थितप्रज्ञ रहना, उससे आग में नहीं आने देना, ये भी चॉइस आप कर सकते हैं। क्या है कि हमारा जीवन जो है वो ऑटो पायलट के ऊपर है, कंटिन्यूसली हम रिएक्शंस देते जा रहे हैं। मैं कुछ एक्शन करता हूँ सामने वाला रिएक्शन देता है, मैं कुछ एक्शन करता हूँ सामने वाला रिएक्शन देता है, सामने वाला कुछ एक्शन करता है मैं कुछ रिएक्शन देता हूँ, मतलब हमारा लाइफ पूरा कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग कंटिन्यूसली कंडीशनिंग हो रहा है। हम ऑटो पायलट के ऊपर है, हमको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक्शन हो रही है, रिएक्शन दे रहे हैं, या मैं एक्शन कर रहा हूँ वो रिएक्शन दे रहा है, तो ये बहुत पावरफुल नहीं है ये इस तरह का जीना। अभी आप सोचो कि आप ये कर रहे हैं कि कुछ घटना हो रही है, कोई कुछ एक्शन कर रहा है और आप रिएक्ट ना होते हैं, आप शांति से बैठ रहे और कॉन्शियसली चुनाव कर रहे हैं कि अभी मैंने क्या रिएक्ट करना है, रादर देन एकदम स्पॉन्टेनियसली कुछ तो भी रिएक्ट करना, उसके बदले शांति से बैठ के मैंने क्या रिएक्ट करना है, शांति से सोच रहे, और वो बहुत एम्पावरिंग हो सकता है, बहुत शक्तिशाली हो सकता है इस तरह का व्यवहार। आपके पास में अनगिनत चॉइसेस है,
और वो चॉइसेस में से एक चॉइस मतलब एक चुनाव आप हरदम कर सकते हैं, और वो चुनाव है हैप्पीनेस का, खुशियों का। और जब खुशियों का चुनाव आप कर सकते हैं तो वहाँ एक बिहेवियर, एक व्यवहार, एक आचार उच्चार सामने आ जाएगा, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन, SRA। स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन का मतलब होता है कि भाई राइट एक्शन एट राइट मोमेंट, सही कृति सही क्षण में, सही कृति करना है सही क्षण में करना है। वहां से फिर निकलता मतलब आपकी जो एक्शन है वो हरदम आपकी एक्शन मतलब आपका रेस्पॉन्स जो है वो राइट रेस्पॉन्स टू सिचुएशंस निकलेगा। इसका मतलब यह है कि जो भी हो रहा है उसको आपको राइट रेस्पॉन्स निकलेगा, खुशियों का रेस्पॉन्स निकलेगा। तो फिर आपको देखना है कि जो भी हो रहा है क्या मैं खुशियों का वाला चॉइस कर सकता हूँ, खुशी वाला चॉइस कर सकता हूँ कि तकलीफ वाला चॉइस कर सकता हूँ। तो इसके वो जानने के दो प्रकार है। क्या है कि जब जब आप अच्छा चुनाव करते हैं मतलब हैप्पीनेस का चुनाव करते हैं, अच्छा लगता है ऐसा चुनाव करते हैं, तो आपके बॉडी सेंसेशंस एकदम अच्छे हो जाएंगे, आपको रिलैक्स लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, फील गुड लगेगा, अच्छा लगेगा। तो जब बॉडी आपको इशारे देती है कि ये चुनाव आपका बराबर है, क्योंकि आपके बॉडी ने बता दिया कि चॉइस बराबर है, आपको अच्छा लग रहा है, कंफर्ट लग रहा है, हैप्पीनेस लग रहा है, तो वो चुनाव सही है। और वो चुनाव करने के समय यदि आपकी बॉडी डिस्कम्फर्ट में है, आपको ठीक नहीं लग रहा है ना, बेचैनी लग रही, उदास लग रहा है, टेंशन लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, समझ जाना कि वो चुनाव बराबर नहीं है। तो बॉडी के सेंसेशन की तरफ आपने ख्याल देना चाहिए कि मेरा जो चुनाव है वो चुनाव कैसा रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका जो दिल है ना उसको मालूम है कि चॉइस सही है कि नहीं है। आपका दिल जो है हार्ट बहुत रैशनल है, लॉजिकल है, वो यूनिवर्स से बहुत जुड़ा हुआ है। और यदि वो आपको अच्छा इशारे देता है, वो कंफर्टेबल है, धड़कन नहीं है, क्वाइट है, समझ जाना अपना चॉइस बराबर है। अब ये पैसे के बारे में भी लागू होता है, पैसे के एरिया में आपको संपन्नता चाहिए, विपुलता चाहिए, अमीर बनने का है, सेम पैसे के एरिया में भी यदि आप चॉइसेस करते हो और वो चॉइस कि जो चॉइस से हैप्पीनेस होगा, खुशियाँ मिलेंगी, तो वो चॉइस समझ जाना बराबर है, बहुत पैसा आपको वो एरिया में मिल जाएगा। तो चॉइस ऑफ हैप्पीनेस हमको बार बार करना है, और वो कर रहे कि नहीं कर रहे वो बॉडी को पूछना है। भूतकाल में आपने जो कर्म किए हैं उसके बारे में आप कुछ कर सकते हो, जैसा कि कर्मिक डेट जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब भूतकाल में जो भी आपने कुछ किया है उसका हिसाब आपको आज चुकाना पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो, उसका हिसाब आज आपको चुकाना ही पड़ेगा। फिर जब आप हिसाब चुका रहे हैं तो ये पूछना है कि इसमें से मुझे क्या सीख मिल रही है, मुझे इसका उपयोग भविष्य के लिए मैं कैसा कर सकता हूँ, या ये कैसा उपयोग में आ रहा है, ये जो मुझे अभी इसकी सीख जो मिल रही है, जो मुझे अभी ब्रेकडाउन हुआ है, इससे मुझे क्या सीख मिल रही है, और ये यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड मुझे क्या बता रहा है, ये अनुभव का मैं कैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये अनुभव मैं मेरे लिए कैसे फ़ायदे का ले सकता हूँ, और मैं लोगों के लिए कैसा फ़ायदे में ला सकता हूँ। जैसा समझो आप खेल रहे हैं और आपका पैर फ्रैक्चर हुआ, तो पैर फ्रैक्चर हो गया तो फिर आपको ब्रेकडाउन हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन करना पड़ा, प्लास्टर लगा लिया। अब आपने ये खुद को पूछना है कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ इसमें से मुझे क्या सीख मिल रही है। हो सकता है कि ये मैं पास्ट कर्मिक डेट जो है उसका हिसाब चुका रहा हूँ, नंबर एक। नंबर दो, अभी मुझे ये सीख मिल रही है कि मैंने अभी इसको स्लो डाउन करना चाहिए, मेरे लाइफ को स्लो डाउन करना चाहिए, मैंने ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, मैं शायद केयरफुल नहीं हूँ, मैं केयर नहीं करता हूँ मेरी बॉडी की, मेरे खुद की, और थोड़ा स्लो डाउन होना ज़रूरी है, मैं ज़्यादा बह जाता हूँ। ये खुद का एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, लोगों के लिए इसका कैसा फ़ायदा हो सकता है भी देखो, कि क्या ये अनुभव मैं लोगों को बोल सकता हूँ कि भाई कैसा खेलना चाहिए, क्योंकि आप केयरलेस खेलते हो तो कैसा फ्रैक्चर हो सकता है, क्या लोगों के लिए काम में आ सकता है। मेरा पर्पज़ है कि लोगों के जीवन में हैप्पीनेस लाना, ये मेरा पर्पज़ है,
तो क्या मैं इसके बारे में किताब लिख सकता हूँ, क्या इसके बारे में एक वीडियो बना के डाल सकता हूँ कि देखो मेरा ऐसा हो गया आप संभाल के करो। तो इस तरह का हम लोगों को भी फायदा हमारे अनुभवों का दे सकते हैं ताकि लोगों के जीवन में हैप्पीनेस आए। तो मैं क्या सीख सकता हूँ और मैं लोगों को क्या सिखा रहा हूँ और ये यूनिवर्स मुझे क्या सीख दे रहा है, ये हम जब उसको प्रेजेंट में रखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे, पीछे रखेंगे, तो बहुत कुछ सीखने लायक हमको रहेगा। फिर नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो भाई, जब ये ऐसा हुआ, मेरा पैर टूटा या फ्रैक्चर हुआ, मैंने लोगों को बताया, लोगों को काम में आया, लोगों के जीवन में इससे हैप्पीनेस आ जाएगा, फिर खुद का ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। वो कैसा, कि मेडिटेट करो, देखो, सीखो कि भाई मेरे में क्या मिसिंग है, मैं क्या मेरे में ऐसा ला सकता हूँ, क्या संभावना मेरी है, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं करना चाहिए था, ऐसा एक गैप लेना है, ऐसा उसको बोलते हैं टेकिंग अ गैप, एक गैप लेना है और गैप लेके मेडिटेट करके सीखना है, खुद को झांक के देखना है अंदर और झांक के देख के देखना है कि इसमें से क्या सीख मुझे मिल रही है, मैं कैसा खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ और इससे मैं मेरे पर्पस को, मेरे धर्मा जो है, मेरा पर्पस जो है, उसको कैसा कनेक्ट हो सकता हूँ। एक एक्शन हम करते हैं तो एक एक्शन करने के बाद में उसके कुछ रिजल्ट आते हैं, उसके इफेक्ट्स आते हैं, वो इफेक्ट्स हमारी मेमोरी तैयार करते हैं, फिर मेमोरी जब तैयार होती है तो मेमोरी से फिर और एक कुछ डिज़ायर, कुछ वांट्स, कुछ चाहिए, चाहत तैयार होती है, वो चाहत फिर हमें एक्शन देती है और फिर एक्शन से फिर रिएक्शन आती है और ये चलते रहता है। तो ये लॉ ऑफ कर्मा है, कॉज एंड इफेक्ट। तो अभी ये हमको इसमें कैसा लाना है, प्रैक्टिस में कैसा लाना है, तो नंबर वन, आज के दिन जो जो एक्शन ले रहा हूँ तो वो मेरा चॉइस है ऐसा समझूंगा, और वो चॉइस जो मैं कर रहा हूँ, जो एक्शन कर रहा हूँ, उसको विटनेस करूँगा कि ये मैं चॉइस कर रहा हूँ, ये मेरा चॉइस है, ये मेरा चुनाव है, और यह चुनाव जो है उसको मैं देखूँगा कि मैं चुनाव कर रहा हूँ और मैं उसका विटनेस हूँ, वो चुनाव का, यह मैं देखूँगा। वो चुनाव ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, ये भी मैं एक्नॉलेज करूँगा कि ये चुनाव ऑटोमेटिक नहीं है, और मैं ये देखूँगा आज कि भाई जो भी एक्शन मैं कर रहा हूँ उसके लिए मेरे को प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहना पड़ेगा, वर्तमान में मौजूद होना पड़ेगा, तभी ये मेरे लिए संभव है। ऑटोमेटिक कब करते हैं हम, जब वर्तमान में प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट टू द प्रेजेंट नहीं है, तब ऑटोमेटिक एक्शंस होती रहती है। तो पहला है, फर्स्ट वन इज कि मैं आज से और आज का दिन, पहले एक दिन कि मैं प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहूंगा, वर्तमान में मौजूद रहूंगा और जो भी मैं एक्शंस कर रहा हूं उसको मैं देखूंगा, पहला काम। नंबर दो, जो भी मैं चुनाव करूंगा, चुनाव करने के पहले मैं अपने आप को पूछूंगा कि ये मैं चुनाव कर रहा हूँ, ये मैं एक्शन लेने वाला हूँ, ये कर्मा करने वाला हूँ, क्या ये कर्मा जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं या उसके परिणाम क्या होंगे, उसका प्रभाव क्या, परिणाम दुष्प्रभाव क्या होने वाला है, नंबर एक। और नंबर दो, जो भी मैं एक्शन करने वाला हूँ क्या ये एक्शन मुझे हैप्पीनेस देंगे और जिनके साथ मैं रहता हूँ उनको सबको हैप्पीनेस देंगे, ये भी मुझे पूछना है। तीसरा, जब मैं चुनाव करता हूँ, जब मैं एक्शन लेता हूँ, तो मैं मेरे दिल को पूछूंगा, मेरे बॉडी को पूछूंगा कि ये जो एक्शन मैं ले रहा हूँ क्या ये एक्शन से मुझे अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, स्वस्थ लग रहा है, शांत क्वाइट लग रहा है, मैं पूछूंगा मेरे दिल को, मेरे बॉडी को, क्योंकि बॉडी सेंसेशंस और दिल ये बहुत ही सतर्क रहते हैं और वो यदि हाँ बोलते हैं कि यस कंफर्टेबल है करो तो फिर वो करूंगा, और यदि वो एक्शन लेने के पहले मुझे लगता है कि नहीं नहीं मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, रेस्टलेसनेस है, मेरी बॉडी ट्रेम्बल कर रही है, परस्पायर कर रही है, दिल धड़कन बहुत जोर से हो रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, समझ जाना कि वो चुनाव मेरा अच्छा नहीं है। तो ये लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।